और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जशपुर जिले में कहीं ना कहीं ठगी की शिकार होने की बात सुनने में आती रहती है। यहाँ आए दिन आदिवासियों को अपने झांसे में लेकर उनके भोलेपन का फायदा उठा लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला जशपुर से सामने आया है, जहां पर नागेंद्र राम के खाते से पैसों का हेरफेर किया गया है, जिसकी शिकायत थाने में भी की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि मामला बगीचा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडरा पाठ का है, जहां पर एक भृत्य नागेंद्र राम पहाड़ी कोरबा के खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। बता दें कि नागेंद्र राम शारीरिक रूप से विकलांग हैं और वह लकवा की बीमारी से ग्रसित हैं। नागेंद्र जब इलाज कराने के लिए पैसे निकालने गया तो उसके खाते में रुपये नहीं मिले हैं, तब उसे संदेह हुआ और पता चला कि खातों से रुपये निकाल लिए गए हैं। वहीं खाते से अब तक 7 लाख रुपए, 96,500 रुपए निकाले जा चुके हैं। मामले को लेकर नागेंद्र राम ने बगीचा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और इस पूरे मामले पर बगीचा एसडीओपी अलीम खान ने बताया है कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं था, अब आवेदन मेरे पास में भेज दो, कार्रवाई की जाएगी।